अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम का जो संगठन किया था उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या है। हमने पाठ्यक्रम तो बना लिया, आपको पता चल गया है कि पाठ्यक्रम किन किन बेस्ड पे बनाना चाहिए, जो अभी हमने तीन बेस्ड उसके संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस किए थे, इंटीग्रेटेड और सेपरेट एंड इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरडिसिप्लिन सॉरी। तो उसके बाद प्रिंसिपल्स पे क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए कि आपका जो करिकुलम है उन पे डिपेंड रहे, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल की किसी भी करिकुलम को जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, क्या चीज़ ध्यान में रख के करेंगे, क्या चीज़ ध्यान में रख कर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रकरण प्रबंधन, यानी कि टॉपिकल अरेंजमेंट्स। आप जब भी करिकुलम बनाएंगे तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक को ही बेस रखेंगे ना, जो भी आप कंटेंट रेडी कर रहे हैं बच्चों के लिए, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो उसमें क्या होगा, आप टॉपिक अरेंजमेंट ठीक रखेंगे। टॉपिक अरेंजमेंट कैसे, कि पहले सिंपल टॉपिक रखेंगे देन कॉम्प्लेक्स रखेंगे। मतलब ये चीज़ नहीं, अगर आप मैथ्स का करिकुलम बना रहे हैं या साइंस का फॉर एग्जांपल, तो साइंस में आप क्या रखेंगे, पहले जैसे प्राइमरी क्लासेस में देखा होगा आपने, प्राइमरी क्लासेस की जो बुक्स होती है उनमें फर्स्ट सब्जेक्ट्स क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें, और फिर हमारा पर्यावरण, फिर धीरे 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 करके लास्ट में पोल्यूशन के बारे में बताया जाता है, जो अपने कचरा होता है, गार्बेजेस होते हैं, इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया कि बच्चे को पहले सिंपल चीज़ों से कनेक्ट किया देन कॉम्प्लेक्स की तरफ गए, तो ऐसे टॉपिक अरेंजमेंट किया है, ठीक है। मैथ्स में भी क्या होता है, पहले प्लस माइनस आता है, या हमारी क्लासेस में देख लीजिए आपकी, पहले नंबर सिस्टम आता है, फिर नंबर सिस्टम के बाद फिर फैक्टर्स आते हैं, फिर SCF LCM आता है, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर बोर्ड मास, फिर आपका परसेंटेज आ गई, फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गए, ऐसे करके लास्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, पहले आपको सिंपल तरीके से मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया, कि आपको एक सिंपल वे दिया, देन आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हुए लिखे गए। तो वो किसका आ गया, आपका टॉपिकल अरेंजमेंट में आ गया, यानी कि जो आप प्रकरण रख रहे हो, जो टॉपिक्स रख रहे हो करिकुलम में, वो ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाइए, कि आपको टॉपिक अरेंजमेंट आना चाहिए। अगर टॉपिक ही आपने ऐसे रख दिया कि पहले फर्स्ट चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया और लास्ट चैप्टर क्या अपना फैक्टर्स का दे दिया, तो वो क्या है, बच्चे को तो देखते ही बेहोश हो जाएगा बच्चा को क्लासरूम में, कि मैम ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या होता है, अभी तो उसने नई नई क्लास स्टार्ट करी है, ठीक है। आप उसको एकदम से कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ा दोगे तो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, उसको प्रॉपर वे में नहीं सीख पाएगा और वो पहले ही अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा कि मुझे नहीं आएगा या मुझसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप सिंपल चीज़ों से अगर बच्चे को पहले कनेक्ट करोगे तो बच्चे का क्या है, एक मोटिवेशन और इंटरेस्ट लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, वो अपने आप को मोटिवेट कर पाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, सेकंड उसने चैप्टर कर लिया प्रॉपर वे में तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो इट मीन्स मैं थर्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ही उसको इतना कॉम्प्लेक्स दे दोगे जिसको देख के घबरा जाए, तो बच्चा सोचेगा मैं फर्स्ट ही नहीं कर सकता तो सेकंड क्या करूँगा, मतलब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, यानी कि मतलब मैं फेल हो जाऊँगा इस क्लास में। तो बच्चे से ये सारी चीज़ें क्या आपको दूर रखनी है। तो इसीलिए कभी भी आप करिकुलम सेट करें तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि आप करिकुलम में जो भी टॉपिक रख रहे हो उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको पता होने चाहिए कब कौन सी चीज़ पढ़ाई जानी है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो इस तरह से आप सारे टॉपिक्स क्या है अरेंज करोगे, ठीक है। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड है जटिलता का सिद्धांत, यानी कि ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब मतलब जटिलता किस में आ जाती है, जटिलता इस वे में कि अगर मान लीजिए आप कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हो या किसी भी वे में आप बच्चे को स्टडी करवा रहे हो, तो बच्चे की वो जो स्टडी होनी चाहिए ना, वो बच्चे की पर्सनल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब जटिलता वहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने बच्चे को क्लासरूम में स्टडी करवा दी, बच्चे ने क्या किया आपके थ्रू लर्निंग कर ली, बच्चा पास आउट भी हो गया, 70% 60% भी अचीव कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज़ को वो अपनी डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर पाया, अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट नहीं कर पाया, या उसके अंदर मैनर्स डेवलप नहीं हुई और जो आपकी एथिक्स वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनके बारे में उसको नहीं पता, वो सोशलाइज नहीं बना या अपना करियर सेट नहीं कर पाया, तो इस पढ़ाई का क्या यूज़ है, वो तो डिग्रीज वेस्ट है ना, सिर्फ अलमारी में रख के उसको सड़ाने वाली बात है।
तो इसीलिए जटिलता यहाँ पे आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपको बच्चे को ऐसे डेवलप नहीं करना, बच्चे की ऐसे स्टडीज़ नहीं करानी कि सिर्फ उसने डिग्री ले ली या परसेंटेज इंक्रीज़ कर ली, बच्चे को पता चल गया मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्लास पास आउट कर ली, वेरी गुड, मिल गया ट्रॉफी, मिल गई मैम ने बहुत अच्छा बोल दिया, घर पर बहुत अच्छे अवार्ड्स मिल गए, रिगार्ड्स मिल गए, वो चीज़ें नहीं। बच्चा उससे रिलेट अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके, इस वे में आपको स्टडीज़ करवानी है। तो इसीलिए क्या है, जो स्टडीज़ है या टीचर लर्निंग प्रोसेस है और जो आपका करिकुलम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बच्चे के ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए बच्चे क्या है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं, और इन सब चीज़ों को गेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी करिकुलम को ऐसे सेट करें कि आपको सिर्फ स्टडी पर्पज़ से करना है तो आप बहुत इजी वे में उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी करिकुलम को इस पे बेस्ड करके डिपेंड, मतलब करिकुलम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आपको बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है, उसको सोशल लाइफ में एडजस्ट करना है, तो थोड़ा करिकुलम क्या है, मुश्किल हो जाता है, उसमें जटिलताएं क्या है बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस वे में करिकुलम डेवलप करना ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट था जटिलता का सिद्धांत, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप करिकुलम सेट कर रहे हैं वो इस पर डिपेंड होना चाहिए कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो और वो अपने आप को सोशल लाइफ में एडजस्ट कर सके और अपना करियर सेट कर सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है विशिष्ट सामान्य की और यानी कि स्पेसिफाइड टू जर्नल, जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि टॉपिकल अरेंजमेंट्स आपका कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफाइड टू जर्नल होना चाहिए, नहीं सॉरी, विशिष्ट सामान्य मतलब आप बच्चे के साथ ऐसे भी इंट्रैक्ट कर सकते हो कि आप बच्चे को पहले कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता सकते हो, दैट उसको सिंपल की तरफ लेके जा सकते हो, मतलब बच्चे के साथ कई बार आप ऐसे कर सकते हो कि बच्चे को किसी प्रॉब्लम में डाल सकते हो, उसको क्या है स्पेसिफाइड चीज़ें बता सकते हो, जैसे हम करते हैं ना अपने क्लासरूम टीचिंग के अंदर कि मैथ्स से रिलेटेड आप सबसे पहले क्या करते हो, बच्चे को फॉर्मूलेज कैलकुलेट करने सिखाते हो कि आपका जो मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो वो ये है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो वो ये है, अगर आपको प्रिंसिपल फाउंड करना है तो ये वाला फार्मूला है, अगर आपको रेट फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला है, एवरेज निकालते हो तो एवरेज का फार्मूला है, तो आप बच्चे को पहले फार्मूलेज बताते हो, देन उनके बाद अप्लाई करने के लिए क्या है उसको सिंपल वे में बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हो। ठीक है, तो यानी कि स्पेसिफाइड टू जर्नल का मतलब है कि जैसे मैथ्स में आप करते हैं कई बारी और बाकी चीज़ में करते हो तो उसमें क्या पहले रूल्स बच्चों को बताते हो देन उनको अप्लाई करने के लिए करते हो, बाकी चीज़ों में क्या होता है कि आप पहले अप्लाई करवाते हो, बच्चों को एग्जांपल से रिलेट करते हो, उनकी डेली लाइफ से रिलेट करते हो, देन उनको से कुछ सॉल्व करवाते हो, देन उनको फॉर्मूलेज क्रिएट करवाते हो। और इसके अंदर क्या आ गया, इसका अपोजिट आ गया कि आपने फर्स्टली क्या किया, बच्चे के साथ उसके जो भी फॉर्मूलेज थे और बाकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो डिस्कस करी, देन सिंपल की तरफ गए यानी कि जर्नल की तरफ गए। एक चीज़ और याद रखना, अब आप मुझे बताइए कि जो ये वाला आपका पॉइंट है, ये हमारा एक मेथड्स का पॉइंट था, याद आया, स्पेसिफाई टू जर्नल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ऐसे मैंने बताए थे कि कौन से मेथड्स में यूज़ होते हैं, तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेशन में कमेंट करके कि ये वाला जो आपका स्पेसिफाई टू जर्नल है वो इंडक्टिव मेथड में यूज़ होता है यानी कि आगमन विधि में, या डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि में। ठीक है, देखती हूँ कितने बच्चों को पता है और याद है, तो बताइएगा कि स्पेसिफाई टू जर्नल वाला फॉर्मूला किस मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है टेक्निक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा क्रिया केंद्रित यानी कि एक्टिविटी बेस्ड। आपको करिकुलम ऐसा रखना चाहिए, आपने बुक्स उठा के देखिएगा अभी भी और आपने भी जब पढ़ी है तो आपने भी पता होगा, मैथ साइंस आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, जब चैप्टर फिनिश होता है ना तो चैप्टर फिनिश के बाद लास्ट में क्या होता है, जब आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं तो लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ भी दी होती है। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स टाइप एक्टिविटीज़ या फिर जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया होता है, नीचे क्या होता है एक्टिविटी नंबर 1.1, एक्टिविटी नंबर 2.1 और ऐसे ग्राफ्स में भी होता है, तो वहाँ
वो चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए जो हमारे करिकुलम होना चाहिए वो इस पर भी बेस्ड होना चाहिए कि आप एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व करो, ठीक है, ताकि बच्चे क्या है उससे और ज़्यादा क्रिएटिव रूप से सीख सके। क्योंकि एक्टिविटी में क्या होता है, आप ट्राई करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कि बच्चों को वही चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से सिखा सके। मतलब एक्टिविटीज़ ज़्यादातर कुछ टीचर्स होती हैं कि क्लासरूम में करवा देती हैं, कुछ उनको एज अ होमवर्क दे देती हैं कि आप ये वाली एक्टिविटी सॉल्व करके लेकर आइए, मैंने इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें बता दी हैं कि ये चीज़ ऐसे करेंगे तो आप ये वाली एक्टिविटी सॉल्व करके लेके आइए, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लासरूम के अंदर करवाते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आपको प्रेजेंटली आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे कि बच्चे ने वो एक्टिविटी समझी या नहीं समझी या कोई कमी रह गई, ठीक है। तो आपका करिकुलम इस पर भी डिपेंड होना चाहिए जब भी आप करिकुलम बनवाएं या बना रहे हैं खुद, तो कि उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो भी आपको इन्वॉल्व करनी है या एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी है, ठीक है, ताकि बच्चों की रिवीजन हो सके, प्रैक्टिस हो सके, बच्चों को जो भी पढ़ा है उसको टाइम पर रिकॉल करना आ सके, रिपीटेशन हो सके, उसकी मेमोरी शार्प हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बच्चे की वो जो नॉलेज है जो आपने गेन करवाई है बच्चे को टॉपिकली, तो वो क्या होगी, बच्चे की परमानेंट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब कभी एग्ज़ाम्स होंगे या आप सरप्राइज टेस्ट लेंगी या कोई भी कोई ऐसा वो कि वहाँ पे उस टॉपिक को यूज़ करना है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उसको रिकॉल करने में, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, लचीलापन यानी कि फ्लैक्सीबिलिटी। ये वाला पॉइंट तो सभी जगह कंपलसरी है हमारे एजुकेशन में, क्योंकि अगर फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ में, क्या है वो टीचिंग हो, लर्निंग हो, आपके मेथड्स हो, टेक्निक्स हो और आपके ऑर्गेनाइजेशंस हो, कुछ भी हो, आपको अगर आप एक एज अ टीचर लेकर चल रहे हो कोई भी चीज़ या एज अ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसमें फ्लैक्सीबिलिटी होनी ही होनी है, क्योंकि आपको ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट या ऐसी चीज़ें रखनी है टीचिंग लर्निंग की कि वो आप बच्चे के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर पाओ, बच्चे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए करिकुलम के अंदर भी क्या है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको भी याद होगा कि जो स्टार्टिंग से जो हमारा करिकुलम आ रहा था अब तक का, जब मैंने अपनी 10th और 12th करी थी, तो स्टार्टिंग से जो मैं करिकुलम का सेट देख रही थी वो सारी जो बुक्स थी और जो चैप्टर्स थे, बुक्स के इवन नाम तक थे, वो सब चीज़ें सेम थी। कि मेरे मुझसे जो सीनियर्स लोग थे, मतलब मेरे भैया वगैरह, उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी, मैंने पढ़ी मैंने भी वही बुक्स पढ़ी, मेरे जूनियर्स ने पढ़ी उन्होंने भी वही सेम बुक्स वही कंटेंट पढ़ा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, अब आके रिसेंटली मैंने उसमें देखा कि एनसीईआरटीज़ की बुक्स में भी चेंज किया गया, बुक्स के नाम बदल गए, कलर्स बदल गए, कवर पेज बदल गए, चैप्टर्स को आगे पीछे कर दिया गया, चैप्टर के अंदर का कंटेंट बदल गया, वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। वो क्यों हो गई, क्योंकि करिकुलम को क्या किया उन्होंने, एज अ सिचुएशन क्या किया, मॉडिफाई कर दिया बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उस टाइम पे अभी वो चीज़ें नहीं है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अगर ये वाला करिकुलम का सेट चल रहा है कि 5 साल मान लीजिए हमने ये वाला सेट करिकुलम का चलाया तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था, ठीक है, ये वाली टेक्निक्स चल रही थी, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ क्या है, सब चीज़ें चेंज हो गई, जो बाकी जो फैसिलिटीज़ थी वो आ गई, टेक्निक्स आ गई, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, जो हमारा करिकुलम था उसको भी थोड़ा और इजी बना दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि बच्चे बहुत प्रॉपर वे में सीख सके, एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व कर दी। तो इसीलिए करिकुलम में फ्लैक्सीबिलिटीज़ का प्रिंसिपल भी होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, कि उसको टाइम टाइम पे बच्चों के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है, उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसको चेंज किया जा सके, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा लचीलापन यानी कि फ्लैक्सीबिलिटी। उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट यानी कि सहसंबंध या कोरिलेशन। अब जो आपका करिकुलम है वो आपको किस बेस पे बनाना है, 7th पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि आपका को रिलेटेड होना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट्स को आप को रिलेट करके पढ़ाइए या फिर कुछ पॉइंट्स को रिलेट कर दीजिए, उनको ज़्यादा सेपरेट लेकर नहीं चलिए, आपको कुछ पॉइंट्स को रिलेट करके पढ़ाना है, ठीक है। और आप ऐसी सिचुएशंस भी रख सकते हो जैसे करिकुलम का आपको ऑर्गेनाइज करना है, जैसे इस वाले में मैंने बताया आपको
कि लचीलेपन यानी कि फ्लैक्सीबिलिटी में क्या किया कि टाइम के अकॉर्डिंग्स जो बुक्स थी, कंटेंट था, उसमें क्या मॉडिफाई करके उसको चेंज कर दिया गया. जो बुक्स हमने पढ़ी थी आज वो बुक्स बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें डिफरेंट शेड आ गया. ठीक है, तो इसीलिए जो कोरिलेशन है वो भी चेंज हो गया. हमारे टाइम में क्या था, हमने कभी दो सब्जेक्ट्स को आपस में कोरिलेट करके नहीं पढ़ा. अब क्या है, आपस में दो सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है ताकि इजी हो सके बच्चे के लिए या फिर उसको बहुत जल्दी इफेक्टिव लर्निंग हो सके. ठीक है, और उसके बाद आता है आपका दोहराई का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिविजन. मैंने अभी आपको बताया था कि जितना आपस में कोरिलेशन होगा या फिर जितना ग्रोइंग यानी कि जटिलता का सिद्धांत होगा उतनी आपकी रिवीजन होगी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन का जो है सिद्धांत है वो बहुत अच्छा होगा. करिकुलम ऐसा भी होना चाहिए कि रिवीजन होती रहे टाइम टू टाइम. ठीक है, अब वो टाइम टू टाइम रिवीजन कैसे होगी, देखिए टाइम टू टाइम आपकी रिवीजन इस बेस पे भी हो सकती है कि जो चीज़ें आपने सिक्स क्लास में पढ़ी वही चीज़ें आप सेवन्थ में भी पढ़ोगे, लेकिन सिक्स क्लास में थोड़ी आपने इजी पढ़ी थी लेकिन सेवन्थ क्लास में क्या है उसको थोड़ी कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ोगे, थोड़ी मुश्किल पढ़ोगे. फिर वही चीज़ें आप क्या पढ़ोगे एट्थ क्लास में पढ़ोगे, उससे भी थोड़ी मुश्किल पढ़ोगे. फिर जब नाइन्थ में पढ़ोगे तो उससे भी थोड़ा मुश्किल पढ़ोगे. तो इसीलिए जैसे जैसे आपकी स्टेज इंक्रीज होती जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगी आपकी रिविज़न होगी. दूसरी चीज़, जब करिकुलम के अंदर आप कोई एक कंटेंट पढ़ लेंगे, कोई एक टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या है आपका एक्सरसाइज का पार्ट आता है कि एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, और उससे रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं, 16 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आधे आपको होमवर्क में मिलते हैं, आधे आप क्लासरूम में डिस्कस करते हो, तो वो क्या है अ पार्ट ऑफ रिविज़न. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन मतलब करिकुलम आपका इस बेस्ड होना चाहिए कि आपको रिवीजन भी रखवानी है बच्चे के करिकुलम में और कोरिलेट होने चाहिए सारे सब्जेक्ट. फ्लैक्सीबिलिटी की टाइम टू टाइम आप उसको चेंज कर सको, बच्चों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सको. एक्टिविटी बेस्ड यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि बच्चों के लिए इफेक्टिव हो. स्पेसिफाई टू जर्नल, बच्चों को रूल्स रेगुलेशन बताने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हो. ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स यानी कि बच्चों को आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, बच्चे को सोशल लाइफ इंक्रीज करनी है, उसके लिए करियर में यूजफुलनेस चाहिए. और टॉपिकल अरेंजमेंट कि आपको एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक अरेंज करना आना चाहिए कि आप कैसे टॉपिक्स को अपने करिकुलम के अंदर अरेंज करते हो. ठीक है, हाँ, तो अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. तो इसी के साथ अब मेरा करिकुलम वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है. मैंने इसके अंदर करिकुलम में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, कुछ भी नहीं छूटा है, तो इसलिए प्लीज़ कंप्लेन मत करना कि मैम ये वाला रह गया ये रह गया. अगर आपको हाँ अपने अकॉर्डिंग लगता है कि कुछ मिस हो गया, वैसे मेरी साइड से कुछ मिस नहीं हुआ, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लिया, बट फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके कि ये वाली चीज़ रह गई है. ठीक है, मैं वो भी करवा दूँगी आपको. तो करिकुलम वाला टॉपिक आज फिनिश होता है इस वीडियो के साथ. और पता ही है एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्रॉपरली रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखिए. नहीं समझ आ रहा है तो कोई आपके साथ प्रॉब्लम है, आप भी प्रॉब्लम में है या किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और जो हमारा टेक्निकल पार्ट है उसके लिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है उसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी जो हमारे टेक्निकल पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच.